वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रस्ट सिटी प्रॉपर्टी गुरु। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त एंकर तरन्नुम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज मैं आपको दिखाने वाली हूं बहुत ही सुंदर सा 250 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ विला जो कि आपको मिल जाएगा पंचकुला सेक्टर 9 में। बहुत पॉश एरिया आपका रहने वाला है, एकदम साफ सुथरा, लोकेशन बहुत अच्छी है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी आ जाएगी, सारी चीजें आपको यहाँ पे नियरबाय में मिल जाएगी। चाहे आपके एंटरटेनमेंट जोन्स हो, कहीं के लिए भी जाना हो, रेलवे स्टेशन जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो, कहीं के लिए भी आप इजीली यहाँ से हेड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लोकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, इट्स सेक्टर 9 ऑफ पंचकुला, बहुत ही पॉश एरिया आ जाएगा आपका। कुछ इस तरीके का पूरा एलिवेशन आपका रहने वाला है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन कर रखा है। अगर हम पार्किंग की बात करेंगे जो कि बहुत ही मेजर इशू है, तो यहाँ पे ना पार्किंग स्पेसेस आपको काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। एक तो आपको अंदर भी 2-3 गाड़ियाँ आपकी इजीली पार्क हो जाएंगी एंड आपके जो आपका विला है उसके सामने भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है जिसमें आप गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। तो पार्किंग वगैरह का आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं आने वाला है। बात करेंगे गेट की, तो गेट आपको काफ़ी बड़ा मिल जाता है यहाँ पे, बस स्लाइडिंग रहेगा ही आपका गेट, नॉर्मली भी आप ओपन कर सकते हैं जिसके लिए आपको छोटा गेट मिल जाता है। दिस इज द एंट्री एरिया, गेट से एंट्री करते ही आपको कुछ ऐसा सा एरिया दिखने वाला है जहाँ आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की पार्किंग कर सकते हैं, इसको डेकोरेट कर सकते हैं, प्लांटिंग वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है एंड जैसे आप प्लांटिंग वगैरह करते हैं, उनको वॉटरिंग वगैरह करना है तो आपको यहाँ पे टैप्स भी प्रोवाइडेड है, आपको कार वॉशिंग वगैरह करना है तो आप इजीली कर सकते हैं पार्किंग का यूज करके। सो आइए चलते हैं, ये रहेगा हमारा मेन डोर जो आपको सिक्योरिटी के साथ मिल रहा है, डिजाइनिंग भी काफी अच्छी है, लाइट काफी अच्छी है, डिजिटल लॉक के साथ मिल रहा है जिसको आप कार्ड से, की से, फिंगरप्रिंट से ओपन कर सकते हैं एंड जो आपका मेन डोर है वो आपका विद सरफेस नहीं है, 2-स्टेयर अप आ जाएगा आपका। सो जैसे ही अंदर एंटर करेंगे सबसे पहले आ जाता है हमारा फॉयर एरिया जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारी चीजें यूज करी गई है, पैनलिंग है आपका, मिरर वर्क आ जाएगा, इस साइड भी आप स्पेस देख सकते हैं फॉर द वेंटिलेशन, यहाँ पे आपका ग्लास विंडो आ जाएगा एंड इस साइड आ जाता है हमारा फर्स्ट रूम विच इज वेरी स्मॉल रूम जिसको आप अपना सर्वेंट रूम या फिर ट्रैवल का रूम बोल सकते हैं, कुछ वैसा सा बनाना चाहते हैं तो कुछ वैसा कर सकते हैं, स्टोर रूम बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। इसमें आपका जो विंडो रहने वाला है वो
ग्लास बिल्कुल रहने वाला है और लाइट एंड वेंटिलेशन काफी अच्छा रहेगा। इसमें आपके कवर्स भी प्रोवाइडेड किए गए हैं आपको, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कवर रहेगा। यहाँ पे इसका वॉशरूम भी जो है वो बिल्कुल अटैच रहने वाला है विद फुल फिटिंग्स। एंड आफ्टर दिस रूम अब यहाँ पे आ जाता है हमारा ड्रॉइंग स्पेस, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो पूरा सेटिंग है वो पूरा अरेंज किया गया है, सब कुछ आपका लगा हुआ है ऑलरेडी। आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें जो आपका विंडो आ जाएगा वो ग्लास विंडो रहेगा, जहाँ से आप पूरे अपने घर के बाहर का नजारा देख सकते हैं। यहाँ से सिटिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इजीली आपका 10-12 सिटिंग अकोमोडेट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारा फर्नीचर जो है वो एड ऑन कर रखा है। फॉल सीलिंग आपका काफी ब्यूटीफुल यूज किया गया है, आप देख सकते हैं ऊपर इस तरफ आपका काफी सारे एरियाज आ जाएंगे जहाँ पे आप अपनी कुछ भी डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हैं। ये आपका पूरा जो पैनल है ये विद ग्लास वर्क आ जाएगा, वुडन वर्क है, इसमें छोटी छोटी लाइटिंग आप देख सकते हैं तो काफी ब्यूटीफुल बनाया है। इसमें जो आपका डोर रहेगा वो भी ग्लास डोर रहने वाला है। एंड आफ्टर दिस नाउ कम्स आवर अदर स्पेसेस ऑफ हाउस, जो आपका डाइनिंग एरिया आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना लिविंग स्पेस बना सकते हैं, यहाँ पे आपका किचन आ जाएगा, योर फर्स्ट बेडरूम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये आ जाएगा आपका लिफ्ट, जो कि आपको रूफ टॉप तक लेके जाता है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, हमारे घर में जो है वो ओल्ड पर्सन होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ आपके घर के अंदर ही रहने वाली है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डाइनिंग एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक सीटिंग ऐड करके रखा हुआ है। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग उसको कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हो, आप कर सकते हैं, यहाँ पे काफी सारा स्पेस आ जाएगा। इस साइड आप देख सकते हैं कि हमने एक चेस्टर रखा हुआ है जिसको आप अपना प्रॉपर्टी यूनिट बना सकते हैं, इसमें आप अपना प्रॉपर्टी स्टोर कर सकते हैं। कमिंग टू दिस साइड, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा कम्प्लीट किचन जो आपको पूरा एज इट इज मिलने वाला है। रहने वाले हैं जो आप देख सकते हैं। सामने यहाँ पे आपका ये स्टोरेज स्पेस आ जाता है, आप देख सकते हैं इस तरफ आ जाता है आपके पेंट्री के लिए स्टोरेज, इसमें भी आपको कैबिनेट ऊपर मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है स्पेस आपके अप्लायंसेस के लिए, जहाँ पे आपका माइक्रोवेव ओटीजी आ जाएगा, स्टोरेज के लिए स्पेस, एंड यहाँ रहेगा आपकी रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस, एंड विद दिस यहाँ पे आपकी पेंट्री के लिए स्पेस आ जाएगा। विद दिस ये था हमारा किचन डाइनिंग एरिया, मैंने आपको दिखा दिया। अब बात कर लेते हैं आपके डाइनिंग एरिया के सामने वाले स्पेस की, जहाँ पे आ जाएगा आपकी एलईडी पैनल कंपनी, जहाँ पे आप अपना स्पीकर लगा सकते हैं। बेसिकली इट्स गोइंग टू बी योर एंटरटेनमेंट जोन, जहाँ पे आप जितना मर्जी बड़ा स्क्रीन एड ऑन करना चाहे आप कर सकते हैं। ये भी हमने काफी ब्यूटीफुल बना रखा है, जिसमें आपको ग्लास वर्क मिल जाएगा, आपको वुडन वर्क मिल जाएगा, कंप्लीट पैनलिंग मिल जाएगी, इवन आपका जो सीलिंग है ऊपर उसमें भी आपको वुडन का पैनलिंग देखने को मिल जाएगा। लाइटिंग हमने काफी छोटी छोटी लाइट को एड ऑन करके रखते हैं, क्योंकि काफी अच्छा लगता है। लिफ्ट मैंने आपको बताई थी। सो ये थे हमारे घर के आउटर पार्ट्स, जिसमें आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया, आपका किचन, आपका ड्रॉइंग एरिया, एक आपको रूम भी दिखा दिया था मैंने स्टार्टिंग में। अब चलते हैं हमारे रूम्स की तरफ, जो कि होते हैं हमारे घर के प्राइवेट स्पेसेस। तो ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको फर्स्ट बेडरूम आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पे है। सो आप पहले तो स्पेस देख लीजिए, रूम कितना बड़ा आपको मिल रहा है, जिसमें आपका बेड ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके बाद भी मेरे पास इतना स्पेस बच जाता है कि मैं यहाँ पे अपनी सिटिंग के लिए कुछ क्रिएट कर सकती हूँ, या फिर काउच रख सकती हूँ, या फिर कुछ भी एड ऑन कर सकती हूँ। सामने वाली वॉल पे एलईडी पैनल जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, आपको बस स्क्रीन लगाना है यहाँ पे अपना।
इसी के साथ जो है वो आपका विंडो पूरा अटैच आ जाएगा, जो कि आपकी वेंटिलेशन के लिए काफी अच्छी चीज आ जाएगी, काफी बड़ा विंडो आ जाएगा। एंड आफ्टर दिस अब यहाँ पे आ जाता है इसका वॉशरूम। वॉशरूम में सबसे पहले यहाँ पे आपका क्लोजेट एरिया आ जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे विद ग्लास डोर आपके कबर्ड्स रहेंगे। लेआउट काफी अच्छा प्रोवाइड किया गया, आई एम श्योर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से यहाँ पे भी आ जाता है आपका एक कबर्ड, एंड देन यहाँ पे रहेगा बड़ा सा मिरर, जिसमें आप खुद को पूरा चेकआउट कर सकते हैं। जब भी आप रेडी हो आप यहाँ खुद को देख सकते हैं। एंड देन यहाँ आ जाएगा हमारा वॉशरूम, जिसमें बाहर रहेगा आपका बेसिन, मिरर आपका ऑलरेडी लगा हुआ है, टैप्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं। इस साइड आ जाएगा आपका सीट, एंड आपका जो बाथिंग सेक्शन है वो इसमें सेपरेट आ जाएगा। जो इसमें वॉशरूम है, इन्होंने इसका जो थीम है वो कहीं ना कहीं बोल्ड रखा हुआ है, तो आपको टैप्स वगैरह मिरर के जो कॉर्नर्स हैं वो आप देख सकते हैं। टाइल में आपको गोल्डन वर्क देखने को मिल जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। सो दिस वाज आवर वॉशरूम एंड हमारा फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए आप सीढ़ियां भी यूज कर सकते हैं, लिफ्ट भी यूज कर सकते हैं। पहले आपको सीढ़ियों से ले चलती हूं, जिसमें अगेन आप देख सकते हैं काफी अच्छा वर्क आ जाएगा, मार्बल वर्क आ जाएगा आपकी सीढ़ियों पे। लाइटिंग आप देख सकते हैं आज हम कर रखी है। सो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ओपन स्पेस मिल जाता है, जिसको आप क्रिएट कर सकते हैं एज अ पूजा स्पेस। देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस आ जाएगा। अगर आपको पूजा स्पेस नहीं क्रिएट करना है, आप अपने लिए एक लिविंग स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर स्टडी बना सकते हैं। बहुत अच्छा स्पेस आपको ये एक मिल रहा है, जिसमें आप अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं बेसिकली। सो यहीं से स्टेयर्स चली जाएंगी ऊपर हमारे सेकेंड फ्लोर के लिए, जिसमें आपको बाद में लेके जाऊंगी। पहले हम ये वाला फ्लोर पूरा चेकआउट कर लेते हैं। इसमें आपके दो बेडरूम्स आ जाएंगे, एक यहाँ पे, वहाँ पे आपका मास्टर बेडरूम रहेगा, लिफ्ट का स्पेस है, ये आपका पूरा गैलरी आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सो ये आ जाएगा हमारा सेकंड बेडरूम ऑफ दिस हाउस। आप अगेन देख लीजिए कितना स्पेशियस आपका बेडरूम रहने वाला है। बेड ऑलरेडी लगा हुआ है, साइड टेबल्स रखे हुए हैं। यहाँ से आ जाता है आपका विंडो, बालकनी का डोर भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ से आप अपनी बालकनी के लिए एक्सेस कर सकते हैं। सामने वाली वॉल पे आ जाएगा आपके एलईडी पैनल, जहाँ पे आप अपना स्क्रीन लगा सकते हैं। फॉल सीलिंग आप देखिए ऊपर, पूरे घर में आपको जो फॉल सीलिंग का डिजाइन है ना, वो बहुत यूनिक आपको मिलने वाला है। सारे ही स्पेसेस जितने भी हैं आपके, वो सब में आपको फॉल सीलिंग जो है वो डिजाइनिंग मिलने वाली है। अगेन यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉशरूम, जिसमें आपके कबर्ड्स आ जाते हैं विद स्लाइडिंग डोर। लेआउट काफी अच्छा है, यहाँ पे भी आपका कबर्ड रहेगा। अगेन यहाँ पे आपको काफी बड़ा मिरर मिल जाता है। देन दिस इज योर वॉशरूम, बेसिन आ जाएगा, मिरर ऑलरेडी लगा हुआ है, सीट रहेगी विद बीडीए सिस्टम, आपका जो सीट है वो रहने वाला है। एंड ये आ जाएगा हमारा बाथिंग सेक्शन विद पार्टीशन, जो कि बिल्कुल अलग से रहने वाला है। So, ये रूम जो है वो आपको बाकी दो रूम के मुकाबले काफी बड़ा मिल रहा है, जिसमें बेड लगाने के बाद आप साइड्स में भी इतना स्पेस बच जाता है कि आप काउच लाइक पूरा सोफा सेट इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको स्पेस का आइडिया लग जाएगा। सामने वाली वॉल पे आपका एलईडी पैनल पूरा बना हुआ है, आपको स्क्रीन लगाना है। यहाँ पे आपको एक विंडो मिल जाता है, जहाँ से आप अपना घर का एक्टिविटी भी देख सकते हैं, नीचे का पूरा यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ आ जाएगा इसका वॉशरूम। वॉशरूम से पहले यहाँ पे आ जाएगा हमारा कवर्ड एरिया, जिसमें आपको ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है फर्स्टली। देन यहाँ आ जाएंगे हमारे कंप्लीट कवर्ड्स, जिसमें आपको पीछे मेरे मिरर दिख रहा होगा, काफी बड़ा मिरर मिल रहा है। एंड साइड यहाँ पे सारे कवर्ड्स आ जाएंगे, जिसमें आप अपना जो है जितना भी स्टफ है, जितने आपके कपड़े हैं, वो सारे आप यहाँ पे रख सकते हैं। एंड जो आपका वॉशरूम सेक्शन है वो अलग आपका बेसिन है, आप देख सकते हैं मिरर है, सीट आ जाएगा आपका, एंड आपका जो पार्किंग सेक्शन है वो अलग आ जाएगा विद पार्टीशन। एंड नाउ मैं आपको लेके चलती हूं बालकनी में, जहां से आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू।
इसमें आपको जो फ्लोरिंग है वो सारा वुडन का रहने वाला है। एंड स्पेस देख लीजिए, कुछ ऐसा सा स्पेस आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं नीचे का एक्टिविटी, आपने सामने वाला रोड एक्टिविटी देख सकते हैं यहाँ से। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है वो कम्प्लीट होता है। अब चलेंगे हमारे सेकेंड फ्लोर पे, तो हम अब बाय लिफ्ट। वही चलते हैं ऊपर। लिफ्ट का जो साइज है वो आप देख सकते हैं, इजीली 3 पर्सन जो है वो एट अ टाइम यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं। डिजाइनिंग भी काफी अच्छा आ जाएगा लिफ्ट का, लाइटिंग भी प्रॉपर है। सो यहाँ पहुंच गए हम हमारे टॉप फ्लोर पे। सो टॉप फ्लोर पे एंटर करते ही सबसे पहले ये आपके घर का बेस्ट पार्ट है। बहुत मजा आने वाला है आपको इस फ्लोर पे, जितनी आपकी गेम्स होंगी या फिर आपका एंटरटेनमेंट टाइम होगा, आई एम श्योर बहुत यहीं पे स्पेंड करने वाले हो। एंड ये वो एरिया रहेगा आपके घर का, अगर आपको पार्टीज वगैरह करनी है घर पे तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अपने गेस्ट को यहाँ पे बुला सकते हैं एंड उनको एंटरटेन कर सकते हैं। सो यहाँ से शुरू करते हैं। पहले हम बेसिकली ये आज की आपकी स्टेयर्स के साथ ही यहाँ पे आ जाता है हमारा सर्विस रूम। सो ये आपके घर का बैक बालकनी आ जाएगा। इनके पीछे वाला ये रोड देख रहे हैं, आपका मेन रोड आ जाएगा। एंड आप यहाँ से देख भी सकते हैं कितना पॉश एरिया ये आपका रहने वाला है। इसी के साथ आपका जो वॉशरूम है वो भी अटैच रहेगा। एंड आफ्टर दिस अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा लिविंग एरिया, जहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो सिटिंग के लिए सोफा से ऑलरेडी लगे हुए हैं यहाँ पे। और सामने यहाँ पे आप स्क्रीन लगा सकते हैं, कभी आपको मूवीज देखना है, प्रोजेक्टर वगैरह से यूज करना है तो आपको पूरा व्हाइट वॉल आ जाएगा सामने, यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। सामने इस साइड आ जाएगा आपका बाग एरिया। अगर आपको भी पसंद है लाइक अपने घर में जो है वो बाग डॉक्टर ऐड करना, अपने घर को इस तरीके से डेकोरेट करना, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से बना रखा है। एंड यहीं पे हमारा जो है वो फोर्थ बेडरूम आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फोर्थ बेडरूम आ जाएगा, ये जो आपकी टॉप फ्लोर पे रहने वाला है। बेड इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, साइड टेबल्स लगे हुए हैं, इसमें भी आपका सामने जो वो स्पेस आ जाएगा स्क्रीन के लिए, देख सकते हैं ऊपर आपका फॉल सीलिंग हुए डिजाइन काफी अच्छा रहने वाला है। एंड इस साइड आ जाएगा हमारा वॉशरूम, अगेन सेम वॉशरूम का जो लेआउट है वो रहेगा, कबर्ड्स रहेंगे, मिरर आ जाएगा, बेसिन, मिरर, सीट एंड बाकी सेक्शन रहने वाला है। एंड आफ्टर दिस अब हम चल रहे हैं हमारे आउटर पार्ट में। आउटर एरिया के लिए यहाँ पे आपका स्लाइडिंग डोर आ जाएगा, जिसमें आपके दो डोर ऐड होते हैं, एक आपका ग्लास डोर रहेगा, एक आपका मैच डोर आ जाएगा। सो आइए यहाँ में आपके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ। सो यहाँ पे रहने वाला है आपके घर में स्विमिंग पूल, जो आप देख सकते हैं आपका प्राइवेट स्विमिंग पूल ये रहने वाला है, जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं जब भी आप चाहें, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये जो एरिया है इसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो यहाँ पे शेड वगैरह भी बना सकते हैं, अगर बनाना चाहेंगे प्लांटिंग और एड ऑन करना चाहेंगे वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से जो व्यू रहने वाला है ना गाइस, बहुत मस्त व्यू रहने वाला है, आप देख सकते हैं पूरा एरिया आप यहाँ का इस लोकेशन से देख सकते हैं। एंड अगर आपको रील्स बनाने का शौक है, फोटोज वगैरह क्लिक करने का शौक है, तब भी ये एरिया आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो यहाँ से ऊपर स्पेस आ जाएगा आपके वाटर टैंक्स वगैरह के लिए। सो यही पैंट होता है हमारे इस घर का टूर। आई एम श्योर आपको ये घर बहुत अच्छा लगा होगा, लेआउट बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, साइज बहुत अच्छा है एंड बहुत सारी चीजें आपको घर में विद द परचेज मिल रही हैं। सो आपको ये घर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह गई हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ।
नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।